हेलो गाइस, सुबह 6 बजे का टाइम है और हम सुबह सुबह घर से निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं दिल्ली, वो भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट से। तो देखो हमारी कोविड के टाइम की जर्नी विद फर्स्ट टाइम जर्नी इन फ्लाइट। बाबू बाय कर दिया सबको, बड़ी माँ को कर तो हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट। यहाँ अपना लगेज चेक करवाना होता है तो हम वो चेक करवा रहे हैं। तो हम लोग चेकिंग कराने जा रहे हैं। हमने लगेज रख दिया है, अब हम गेट के अंदर एंटर हो रहे हैं। गेट मतलब एयरपोर्ट के अंदर का ही फ्लाइट जहाँ पे आएगी वहाँ का गेट। एयरपोर्ट पे ट्रैवल करने से पहले हमने सारे इन्फॉर्मेशन ले लिए थे कि कहाँ पे क्या करना है। और एक चीज़ का खासकर ध्यान रखें, अगर आप कोविड के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, इन सब का खासकर ध्यान रखें और दूरी बना के रखें, क्योंकि सबसे पहले हमें बचना है। एरोप्लेन का कलर येलो, एरोप्लेन का कलर व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। तो यहाँ हमने लाइन लगा लिया है जाने के लिए। फ्लाइट आ चुकी है, रेडी है। और बाहर बस खड़ी थी जिस बस में हम बैठ के जाने वाले हैं। यहाँ से सबको चेक करके जाने दिया जा रहा था और हमें सेफ्टी के लिए मास्क दिया था और दिए थे ये जो जो ये मम्मी और आयुष ने पहन के रखा है, ये सब दिए थे सेफ्टी के लिए और अच्छा था काफ़ी। और सैनिटाइज़र वगैरह भी हमें दी थी। हम बस में बैठ चुके हैं, हम जा रहे हैं जहाँ पे फ़्लाइट है, क्योंकि फ़्लाइट तो थोड़ा दूरी खड़ा रहता है ना। तो हम पहुँच चुके हैं और हमारी फ़्लाइट ये खड़ी है, अब यहाँ से हम एंटर होंगे। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और वैसे हम दिल्ली क्यों जा रहे सोच रहे होंगे, हम जा रहे हैं अपने नानी के घर में, वहाँ मामा की एंगेजमेंट है, तो वहाँ हम जाके ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। डर लग रहा है? मेरे को भी। तुम डर लग तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और मम्मी ये खड़ी है, आयुष भी खड़ा है। तो हम वेट कर रहे हैं अपनी मामी का। तो ये आ गई हमारी मामी, तो उनके बच्चे ध्रुव एंड पूजा भी आ गए। अब यहाँ से हम बस हमें था हम कब जैसे कैसे भी करके हम घर पहुंच जाए जल्दी से। मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ्लाइट में फर्स्ट टाइम चढ़ के, और सही भी लगा कोविड के टाइम में सेफली हम जर्नी कर सकते हैं फ्लाइट से, कोई रिस्क नहीं, आराम से जा सकते हैं सेफ्टी मेजर्स लेके। तो हम निकल चुके हैं घर के लिए और हमें आए थे नाना लेने के लिए। नाना आगे बैठे हुए रहे पर हम अच्छे से दिखे नहीं।
और व्यू काफी सुंदर था यहाँ का। अब हम पहुँचने ही वाले हैं, 3 साल बाद अपनी मम्मी से मिलूंगी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। चलो फिर घर में मिलते हैं। हेलो, मैं अपने मम्मी के घर आ गई हूँ और मम्मी को छू भी नहीं सकती हूँ, बहुत ही दुख लग रहा है। ये मेरी मम्मी, ये मेरा घर, अपने नए घर में आ गई हूँ। अब नहा हुआ के फिर आप लोग से मिलूंगी। और और ये हमारे छत के ऊपर का व्यू बहुत सुंदर था। क्या क्या है देखते हैं, ये छोले हैं, ये भटूरे हैं, मेरा फेवरेट, मम्मी ने प्यार से बनाया है, और ये दही है, और मम्मी गुजिया नहीं लाई। आयुष कितना तेल लगा लिया बाबू, तेरा अच्छा लग रहा है नानी के पास, बता दो बता कितना तेल लगा लिया, साइड से तेल निकल रहा है। वो तेल पीता है, नहीं तेल पीता है ना बाबू, तेल पीता है ना, नहीं पीता है। अच्छा अच्छा लग रहा है नानी के पास, लग रहा है ना, नहीं तो बहुत सारा काम पड़ा है, घर में पेंट भी हो रहा है, और ये मेरे पापा है, पेंट वाले करके चले गए हैं। पापा रहने दीजिए, मैं कर दूंगी, आप आ जाएंगे। बस यही लगा है, स्वीटर एक वाटर में लगा है। मेरा फेवरेट गुजिया, मम्मी ने ये गुजिया खिला दिया है जो मुझे बहुत पसंद है ना बाबू, आप लोग भी आइए मेरे साथ खाइए। अच्छा चलिए, तो मैं अब इंजॉय करती हूँ अपने मम्मी का बना हुआ ये छोले और ये भटूरे, मैं खाती हूँ, और आप लोग भी आइए मेरे घर खाइए, तब तक मैं खाती हूँ, बाय।